बेंगलुरु। लोकप्रिय स्टैंड अप कॉमेडियन वीर दास ने आज घोषणा की कि बेंगलुरु में उनका शो रद्द कर दिया गया है। कॉमेडियन आज शहर में परफॉर्म करने वाले थे। सोशल मीडिया पर घोषणा करते हुए वीर दास ने कहा कि अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण शो को रद्द कर दिया गया है। वीर दास के शो से पहले दक्षिणपंथी समूह हिंदू जनजागृति समिति ने एक पुलिस शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उन्होंने अपने पिछले प्रदर्शनों के दौरान हिंदू भावनाओं को आहत किया था। मंगलुरु। कर्नाटक की अदालत ने जुमा मस्जिद की दो याचिकाएं खारिज कर दी, यहां तक कि जब उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि एक अनुकूल फैसले से एक शानदार मंदिर का निर्माण होगा। उन्होंने मस्जिद के अधिकारियों से भूमि हिंदुओं को सौंपने का अनुरोध किया। दक्षिण कन्नड़ जिला वक्फ सलाहकार समिति ने बर्खास्तगी के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करने का फैसला किया है। कमेटी के अध्यक्ष बी अब्दुल नासिर ने कहा कि कानूनी लड़ाई जारी रहेगी, हमें न्याय मिलने का भरोसा है और इस संबंध में कानूनी विशेषज्ञों और राज्य वक्फ बोर्ड से सलाह मशविरा करने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। कर्नाटक छात्र आत्महत्या। शहर के संपिगेली पुलिस ने मंगलवार को यहां एक अपार्टमेंट परिसर की 14वीं मंजिल से कूदने के बाद 10वीं कक्षा के एक छात्र की आत्महत्या के मामले में एक निजी स्कूल के मैनेजमेंट के खिलाफ मामला दर्ज किया है। कर्नाटक। मुरुगा मठ के दृष्टा ने यौन इच्छाओं को पूरा करने के लिए लड़कियों का इस्तेमाल किया। पुलिस का कहना है, नाबालिग लड़कियों से जुड़े यौन शोषण के मामले में न्यायिक हिरासत में बंद मुरुगा मठ के साधु शिवमूर्ति मुरुगा शरण मठ द्वारा चलाए जा रहे छात्रावास की छात्राओं को रात में छात्रावास वार्डन की मदद से अपने शयन कक्ष तक पहुंचाते थे। चार्जशीट के अनुसार दृष्टा तब अपनी यौन इच्छा को पूरा करने के लिए उनका यौन शोषण करता था। होश आने पर वह उन्हें धमकी देता था। मैसूर। पीएसआई भर्ती घोटाले के सिलसिले में 106 गिरफ्तार। आज मैसूर में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कर्नाटक के गृह मंत्री अरागा ज्ञानेंद्र ने कहा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि परीक्षा धोखाधड़ी समाप्त हो, जांच पारदर्शी और तार्किक तरीके से हो रही है। पीएसआई परीक्षा का ईमानदारी से जवाब देने वालों के बारे में पूछे जाने पर ज्ञानेंद्र ने कहा, मामले की जाँच जारी है, अंतिम आदेश आने तक हम कुछ नहीं कर सकते। कर्नाटक कांग्रेस नेता सतीश ने हिंदू टिप्पणी वापस ली, खेद व्यक्त किया। जारकीहोली ने कहा कि उनका बयान विकिपीडिया से लिए गए तथ्यों, विभिन्न पुस्तकों, शब्दकोशों और इतिहासकारों के लेखन पर आधारित है। बेलगावी। सीएम बसवराज बोम्मई ने बुधवार को केपीसीसी के कार्यकारी अध्यक्ष सतीश जारकीहोली पर हिंदू शब्द की उत्पत्ति पर उनकी हालिया टिप्पणी को लेकर निशाना साधा। खानपुर में भाजपा की जन संकल्प यात्रा में बोलते हुए बोम्मई ने सतीश से यह स्पष्ट करने के लिए कहा कि क्या वो महर्षि वाल्मीकि और भगवान राम में विश्वास करते हैं। सतीश वाल्मीकि समुदाय से हैं। कांग्रेस नेता पर आगे प्रहार करते हुए बोम्मई ने पूछा, वे जारकीहोली अपने एक भाई का नाम लक्ष्मण कैसे रख सकते हैं जो भगवान राम के छोटे भाई हैं। उन्होंने कहा कि सतीश राजनीतिक लाभ के लिए इस तरह के बयान दे रहे थे। बेंगलुरु। बीबीएमपी ने उच्च न्यायालय के समक्ष एक उपक्रम दिया कि वो आवासीय क्षेत्रों में अधिसूचित उपयोगिता सेवाओं को छोड़कर किसी भी व्यावसायिक गतिविधियों की अनुमति नहीं देगा। इसने अदालत को यह भी आश्वासन दिया कि उसके अधिकारी मौजूदा कानूनों के अनुसार उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे।